हमारे इस ब्लॉग में आपका आप सबका स्वागत है। और आज हम जाने वाले हैं दूध वाली वाटरफॉल और हमारी मंडली निकलने के लिए रेडी है। ये देखिए सब रेडी है और हम निकलेंगे हम यहाँ से अपने एरिया से दूध वाली वाटरफॉल के लिए और आपको दिखाएंगे अच्छे अच्छे नज़ारे। चलिए बने रहिए। हाँ तो भाई ये संतोष वन का एरिया है और यहाँ फुल ट्रैफिक का टाइम रहता है, लेकिन आज थोड़ा कम दिख रहा है। पर सुबह सुबह के आप वक्त आओगे 9:30 बजे के टाइम, तो यहाँ से लेके वो पहाड़ी से पीछे से और संतोष वन तक फुल ट्रैफिक होता है। यहाँ ये आप देख सकते हैं यहाँ का थोड़ा बहुत नज़ारा, थोड़ी बहुत झलक नज़र आ सकती है आपको। और गाइज हम पहुँच गए हैं शायद साई रामनगर और यहाँ पे नया पेट्रोल पंप चालू हुआ है नयारा कंपनी का। इसका पेट्रोल अभी तक का सबसे बेस्ट पेट्रोल लगा है मुझे, गाड़ी में डाल के मैंने देखा था एवरेज अच्छी देती है और बाकी पेट्रोल वालों के मुकाबले ये नया है। और इसकी क्वालिटी अभी तक बेटर है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये देखिए यहाँ पे कितनी लाइन लगी है, अभी नया है फिर भी, क्योंकि क्वालिटी पर डिपेंड करता है, क्वालिटी अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। ये देखिए गाइस ये नयारा पेट्रोल पम्प है और यहाँ हमारा ग्रुप पूरा भाई लोग लगे हुए हैं पेट्रोल डलाने के लाइन में। और ये इब्राहिम भाई है और ये है रवि भाई और ये है अतावारी शेख मिस्टर भोनू और ये हमारे की जुपिटर की ये काम नहीं कर रहा है लॉक बहुत टाइम से बारिश में भीग भीग के। और अभी हम लोग ने इसमें पहले WD-40 मारे पर फिर भी कुछ हुआ नहीं है। और अभी ये भाई साहब ने पेट्रोल डाला है लॉक में और ये देखो पेट्रोल से खुल चुका है। देसी जुगाड़ ऑलवेज डन। ये देखिए ये जो सफारी बंद हो चुकी थी वो उन लोग से चालू नहीं हो रही है। अब इब्राहिम भाई बैठे हैं सफारी में और देखते हैं क्या होता है, गाड़ी चालू होती है कि नहीं होती है। जोर लगा के हिंसा। और ये गाड़ी चालू नहीं हुई है, इसमें शायद कुछ और ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका है। और आगे देखते रहिए, इतना भी पुराने मॉडल मत लीजिए जो आपको दिक्कत दे लाइफ में। और ये देखिए गाइस हमने बिरयानी ले लिया है वहाँ खाने के लिए और भी बहुत कुछ सामान है खाने के लिए अलग अलग गाड़ियों में रखा है। और बिरयानी स्टोरेज करने के लिए ये देखिए हमने क्या जुगाड़ बनाया है स्कूटी के अंदर, तो इसमें हम लोग ने रखा है तो इसमें कैसा वहाँ जाने तक का भी गर्म रहेगा, इंजन जितना गर्म होगा गाड़ी जितनी चलेगी उतना ही गर्म हो जाएगा बिरयानी, ठीक है। और अब हम निकलेंगे हाईवे की तरफ यहाँ से, फिर मिलते आगे। तो गाइस हमने अभी हाईवे पे एंट्री करी है और हम लोग यहाँ रुके उन लोग का वेट करते हैं, ठीक है। और अभी देखते हैं वो कितनी देर में आते हैं यहाँ से। गाइस आ चुके हैं हमारी मंडली और हमारी मंडली की एक दो गाड़ी पीछे रह गई है और ये आ चुके हमारी मंडली, ये देखिए पहुंच चुके हैं। अब निकलते हैं यहाँ से, आपकी दुआ सबका साथ। देखिए गाइस ये रास्ते में एक छोटा सा वाटरफॉल पड़ता है और मैं आपको इसका नज़ारा दिखाता हूँ। और ये पड़ता है यहाँ का रास्ते का छोटा सा वाटरफॉल, यहाँ सब पब्लिक एंजॉय कर रही है। और ये ऊपर जाने का रोड है, दो दाले वाटरफॉल पे जाने का रोड है। ये देखिए कैसे बस अंदर पेड़ पे मज़ा कर रहे हैं सब बैठे हैं ऊपर, देखिए आप देख सकते हैं। और ये हम आ गए हैं दो दाढ़ी वाटरफॉल के अंदर जाने के रास्ते पे, मेन रोड हमने छोड़ दिया है क्रॉस कर दिया है, अभी अंदर का रोड है, ठीक है। और देखते हैं क्या है मामला आगे, हम यहाँ के देखिए ऑफ रोड करने का कैसा है स्कूटी से
आज हम लोग का टास्क है स्कूटी से जाना और स्कूटी से आना, और हमारे ग्रुप में सब स्कूटी है आज। ये देखिए आगे पीछे सब चार स्कूटी है हमारे पास। आज बाइक हम लोग नहीं लेके आए, बाइक से आने का प्लान किया था। ये स्कूटी के ऊपर ही ब्लॉग है, स्कूटी से मतलब आप स्कूटी को ये ना समझे कि कहीं स्कूटी कहीं आ जा नहीं सकती, स्कूटी भी कहीं भी आ जा सकती है, ले जाने वाले होने चाहिए, सब जगह चले जाती है स्कूटी। वही है कि थोड़ी दिक्कत तकलीफ आती है, पर वो तो झेलनी पड़ेगी अगर इंजॉय करना है तो। ये देखिए कैसा रोड है यहाँ का, बल्कि थोड़ा सा ही रोड है, उसके बाद जाके डेड एंड आ जाएगा और अपने को गाड़ी खड़ी करके फिर पैदल जाना पड़ेगा अंदर। वाह 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 वा, चलो 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 साथियों, चलो आराम आराम से आराम आराम से। आज स्कूटी का टास्क है और स्कूटी से हमें टास्क पूरा करना है। और ये देखिए कितना खतरनाक रास्ता है, और गिर गए तो माफ़ी, नहीं तो कोई नहीं बात नहीं, एंजॉय करिए। देखिए और स्कूटी फिसल रही है हमारी, और ये दो स्कूटी पहले ही आ चुकी है, ये अम्मा राइडर लोग है, पहले आ गए इन लोग। ये देखिए, और यहाँ से लेफ्ट मारना है अपने को, और आ गया थोड़ा पक्का रोड। ये देखिए भाइयों, अब हम लोग आ गए हैं दूधाली वाटरफॉल के एंट्रेंस पे। गाड़ी हम लोग ने बाहर खड़ी कर दिया है और अब हम जा रहे हैं अंदर। यहाँ से पैदल चल के जाना पड़ेगा और यहाँ पे कच्चा रास्ता है एकदम। ये मेरा पूरा ग्रुप है, ये हमारी मंडली है, और ये मंडली अपना अपना सामान, खाने पीने का सामान लेके आ रहे हैं सब आगे पीछे आगे पीछे। ये सब मेरा है। ये देखिए, ये देखिए बहुत कठिन रास्ता है, और आपको मेरे बात करने के तरीके से पता चल रहेगा कि सांस कितना फूल गया है। कठिन रास्ता है भाई, बहुत कठिन रास्ता है। ये देखिए मिलिए पाशा भाई से, तो आ गए हैं दूध वाली वाटरफॉल झरने पे, और यहाँ का आप नज़ारा देखिए। आज पानी का फ्लो कम है, पब्लिक कितनी एंजॉय कर रही है ये, तो क्या नज़ारा है ये देखिए। तो दोस्तों दोपहर का टाइम हो चुका है और खाना खाने का टाइम हो चुका है, मन कर रहा है खाना खाने का, नहा नहा के थक गए हैं, ठंडी के मौसम में खाना खाने का टाइम हो गया। ये देखो ये खाना चल रहा है, इधर खाना खा रहे हैं, और दोनों फिर खाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए लोग कहाँ बैठे हम लोग खाना खा रहे हैं, बिरयानी है। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं, आ जाओ खाना आप लोग। तो हेलो दोस्तों, ये देखिए दूध वाले वाटरफॉल का सीन, और ये मेरे दोस्त ठीक से इन्जॉय कर रहे हैं, और ये बहुत सारी पब्लिक आई हुई है यहाँ पे, बहुत लोग आए हुए हैं। ये देखिए दूध वाले वाटरफॉल, खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत वादियाँ, और ये हरा हरा हरा। तो ये व्लॉग हम लोग यहीं ख़त्म करना चाहेंगे, बंद करना चाहेंगे, क्लोज करना चाहेंगे, क्योंकि आगे के शॉर्ट्स मेरे पास है नहीं है, क्योंकि मेरा मोबाइल लास्ट टाइम में खाने के बाद जो वीडियो है उसके बाद मेरा मोबाइल वाटरफॉल के अंदर जा चुका था, पानी के अंदर। उसके बाद मोबाइल ऑन किया पर चालू नहीं हुआ, तो अभी दो दिन लगा रिपेयर होने के लिए, अब रिपेयर हो गया है, तो ये व्लॉग मैं कम्प्लीट कर रहा हूँ, तो सॉरी माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए। पर अगर आपने दोधाड़ी वाटरफॉल में हम लोग के साथ एंजॉय किया है और आप और करना चाहते हो खुद जाके, तो आप जा सकते हैं वहाँ पे, विजिट कर सकते हैं, फ्री विजिट है, कोई चार्जेस नहीं है वहाँ जाने के लिए, बस खाली जाने का ही खर्च है, ठीक है। आप जाइए और मज़े करिए, और हाँ
अगर आपको हमारे ब्लॉग में मज़ा आया तो प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना तभी ना भूले, क्योंकि आने वाले ब्लॉग की जो डिटेल है, जो वीडियो आने वाली है, उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। पहले ही आपको नोटिफिकेशन आएगा तो आप मेरा नेक्स्ट ब्लॉग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिए और मुझे प्यार करते रहिए, और जो नया है मेरे चैनल पे वो भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको भी नए नए विजिट कराऊंगा, घुमाऊंगा। चलो ठीक है, ध्यान रखो अपना, चलते हैं, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।